अच्छा अब हम चलते हैं अगली उससे नेक्स्ट म्यूटेशन, इट इज कॉल्ड ओपलाइन। ओके, ओपलाइन में क्या होता है कि आप देख रहे थे फिशरी मास्क, वो फिशरी मास्क क्लियर हो जाएगा, सो ओपलाइन वुड बी अ क्लियर हेड बर्ड विद नो मास्क ऑन ऑन इट। ओके, प्योर व्हाइट हेड बर्ड और ऑरेंज हेड बर्ड और शोल्डर्स पे बड़ी खूबसूरत फिश स्केल मार्किंग आ जाती है, स्मॉल डॉट्स जैसे मछलियों के ऊपर एक स्केलिंग होती है, जी जी जी, सो दैट इज व्हाट मेक्स देम अ लॉट मोर ब्यूटीफुल। सही, तो अब हम आपको ओपलाइन दिखाते हैं और ओपलाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लियर हेड फिश स्केल मार्किंग। ओपलाइन इज अ वेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टाइप्स ऑफ लवबर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जरा पकड़ना मेरे ख्याल मुश्किल हो गया थोड़ा सा, बिकॉज़ ये बहुत नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है जी। अच्छा अच्छा, अगेन अब ओपलाइन की हम बात कर रहे थे कि क्लियर हेड फिशरी स्केल मार्किंग आ गई। नाउ ओपलाइन में ग्रीन सीरीज, अगेन ऑरेंज हेड होगा, ग्रीन बॉडी होगी, ब्लू सीरीज, सो दिस इज अ ग्रीन सीरीज ओपलाइन। आप देखें कोई फिशरी मास्क नहीं है, इट इज अ क्लियर हेड व्हिच गिव्स इट मोर ब्यूटी, एंड देन देयर इज अ फिश स्केल मार्किंग ओवर हियर। Wow. आप देखें कि बीच में से लाइट है, साइडों से डार्क है, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ओपलाइन। इसी तरह आपको अब दिखाते हैं, ये ग्रीन सीरीज ओपलाइन था, आपने पहले फिशर देखा, ऑरेंज हेड ग्रीन बॉडी, अब ये आपने फिर ब्लू, ये बहुत खूबसूरत, आपने ब्लू फिशर देखा, नाउ दिस इज अ ब्लू ओपलाइन क्लियर हेड एंड यू नो फिश स्केल मार्किंग एंड you know, इसमें भी डिफरेंट कलर्स हल्के हल्के आपको फील हो रहे हैं स्केल्स की तरह, दिस इज कॉल्ड ब्लू ओपलाइन। ओके जी, ये भी बहुत खूबसूरत। फिर आपने तीसरा बर्ड देखा था पारब्लू फिशरी विद अ येलो हेड, हाँ जी, नाउ वी विल शो यू अ पारब्लू ओपलाइन। ओह, येलो हेड बर्ड, क्लियर हेड एंड यू कैन सी द फिश स्केल मार्किंग ओवर हियर, सो दैट इज कॉल्ड पारब्लू ओपलाइन। ये भी बहुत जी, अ पेल फेलो। अच्छा, नाउ इससे ऊपर जो म्यूटेशन है दैट इज कॉल्ड पेल फेलो। पेल फेलो में क्या होता है कि जी बॉडी कलर थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है और आईज ब्लैक से रेड हो जाती है। अच्छा, तो दैट इज नोन एज पेल फेलो। पाकिस्तान में रेड आई बर्ड्स का क्रेज है, आई डोंट नो, पीपल लव रेड आईज एंड रेड आई बर्ड्स की स्पेशलिटी या क्वालिटी है कि दे आर ऑलवेज इन डिमांड एंड यू आर एबल टू सेल देम एट अ डिसेंट प्राइस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रेड आई बर्ड्स की ब्रीडिंग का पाकिस्तान में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा रुझान, बहुत ज्यादा रुझान है। अच्छा, यहाँ पे भी एक रेड आई बर्ड है जी, दैट इज रियली एक्सपेंसिव, दैट इज कॉल्ड डन फेलो, इफ आई कैन गो एंड शो इट टू यू प्लीज। ये भी हम चले पहले फिर ये देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड डन फेलो, दिस इज वन ऑफ द टॉप एंड म्यूटेशंस ऑफ लवबर्ड्स। इसमें दिस वन बर्ड इज वर्थ 1 मिलियन, 10 लाख का एक बर्ड है, और इसके साथ अगर हम इसकी आगे डन फेलो की जो म्यूटेशंस हैं, हाँ इसमें हम लेटेस्ट म्यूटेशंस को मिक्स करते हैं, हाँ हाँ तो एक हाँ एक बर्ड 20 लाख का भी है, 15 लाख का भी है, 25 लाख का भी एक बर्ड है। सो डन फेलो की स्पेशलिटी क्या है कि डन फेलो में आई कलर गोज रेड और बॉडी कलर स्टेज डार्क। नॉर्मली आप देखें ना कि जब भी रेड आई बर्ड आई रेड होगी तो बॉडी का कलर लाइट हो, डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा, बट डन फेलो की स्पेशलिटी ये है कि जी आई भी रेड हो जाती है, तो बॉडी कलर स्टिल गोज और स्टेज डार्क। वाओ, सो ये इसकी वजह से ये एक बर्ड 10 लाख का भी है और इससे ज्यादा भी हो जाती है जब इसके साथ म्यूटेशन। अच्छा, आप ये देखेंगे कि मैं आपको फिशरी दिखा रहा हूं, फिशरी लेट्स से ब्लू फिशर, यू कैन बाय द पेयर फॉर 15,000, आप उसका काम कर सकते हैं, आप पार ब्लू इनटू ब्लू फिशर की पेयरिंग कर सकते हैं, दैट वुड बी अबाउट 20,000। अच्छा, आप उसके 10 पेयर लगा लें, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट में 10 पेयर उसके लग जाएंगे। मैंने आपको कमर्शियल बर्ड दिखाया क्रीमेनो कॉस्ट यू अबाउट 25,000, उसके साथ हम एल्बाइनो को पेयर करते हैं, अनदर कमर्शियल बर्ड वाइट कलर रेड आए, वो आपको कॉस्ट करेगा अबाउट 12-14,000, तो आपका वो पेयर अबाउट रफली 35-40,000 का एक पेयर बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। आप 10 पेयर लगा लें, दैट इज अबाउट 4 लाख इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंगली अर्निंग है। सही सही, एंड नाउ देयर पीपल जो डन फेलो ब्रीड करा रहे हैं, को 10-12 लाख रुपए का पेयर आपको कॉस्ट करेगा, आप इसके 10 पेयर लगा लें, 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, बट ऑब्वियसली फिर अर्निंग भी वैसी। सही, सो ये बहुत सारी चीजें हैं। यस, इट डिपेंड्स कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना नॉलेज है, आपकी अर्निंग एक्सपेक्टेशन क्या है। हाँ, बिल्कुल सही, एंड नॉलेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना इस हवाले से। आज ये पेल फेलो है जी, अब दिस इज अ पेल फेलो, आप ये देखें कि इसकी
ग्रीन, अब ये ना ग्रीन कलर आप देखें बर्ड का कैसा है, दिस इज अ डार्कर ग्रीन, तो पेल सेलो में वो ग्रीन बिल्कुल डाइल्यूट हो गया, लाइट हेड आप देखें डाइल्यूट हो गया, सही, और आईज रेड हो गई, रेड हो गई, सो दिस इज अ पेल फेलो, और डन फेलो की स्पेशलिटी यही है कि कलर आईज रेड होगी लेकिन ये बॉडी कलर विल स्टे डार्क, नॉर्मल डार्क।